हैं कि तब चैनल एक्सप्लोर इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा जो आज का वीडियो है वो है राजस्थान का एक डरावना गांव कुलधरा विलेज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों से या कई सदियों से आज भी उसी तरह ताजा और अनसुलझे हुए हैं जितना पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिसे जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है ये उतने ही ज़्यादा उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज दफन है राजस्थान के एक छोटे से गांव कुलधरा के भीतर। कोई कहता है कुलधरा की भूमि पर सैकड़ों वर्षों से भटकती आत्माओं का पहरा है, तो कोई यह मानता है कि एक श्राप ने इस स्थान की तकदीर बदल दी। दोस्तों जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कुलधरा नाम का एक छोटा सा गांव। कहते हैं सन 1291 के आसपास रईस और मेहनती पालीवाल ब्राह्मणों ने 600 घरों वाले इस गांव को बसाया था। यह भी माना जाता है कि कुलधरा के आसपास 84 गांव थे और उन सभी में पालीवाल ब्राह्मण ही रहा करते थे। ये ब्राह्मण ना सिर्फ मेहनती बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी सशक्त थे, क्योंकि कुलधरा के अवशेषों से यह स्पष्ट अंकित होता है कि कुलधरा के मकानों को वैज्ञानिकता के आधार पर बनाया गया था। पालीवाल ब्राह्मणों का समुदाय सामान्यतः खेती और मवेशी पालन पर निर्भर करता था। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या हुआ जो हंसते खेलते 84 गांव के लोग अचानक बस एक ही रात में अपना घर, मकान, खेती सब कुछ छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए? इसी सवाल से जुड़ी है कुलधरा के रहस्यमयी दास्ता, जिसका संबंध कथित तौर पर श्राप और बुरी आत्माओं से है। फ्रेंड्स, आज के दौर में शायद किसी को किसी की परवाह नहीं, लेकिन जिस समय की बात हम यहाँ कर रहे हैं वो समय सिर्फ अपने नहीं बल्कि एक दूसरे के बारे में सोचने का था। खुशहाल जीवन जीने वाले पालीवाल ब्राह्मणों पर वहाँ के दीवान सालम सिंह की बुरी नज़र पड़ गई। सालम सिंह को एक ब्राह्मण लड़की पसंद आ गई और वह हर संभव कोशिश कर उसे पाने की कोशिश करने लगा। जब उसकी सारी कोशिशें नाकाम होने लगी तब सालम सिंह ने गांव वालों को यह धमकी दी कि या तो पूर्णमासी तक वे उस लड़की को उसे सौंप दें या फिर स्वयं उसे उठाकर ले जाएगा। दोस्तों उस समय गांव वालों के सामने एक लड़की के सम्मान को बचाने की चुनौती थी। वह चाहते तो एक लड़की की आहुति देकर अपना घर बचाकर रख सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। एक रात 84 गांव के सभी ब्राह्मणों ने बैठकर एक निर्णय लिया कि वे रातों रात इस गांव को खाली कर देंगे लेकिन उस लड़की को कुछ नहीं होने देंगे। उसके बाद बस एक ही रात में कुलधरा समेत आसपास के सारे गांव खाली हो गए। जाते जाते वे लोग इस गांव को श्राप दे गए कि इस स्थान पर कोई भी नहीं बस पाएगा, जो भी यहाँ आएगा वह बर्बाद हो जाएगा। तब से कुलधरा की सुनसान और बंजर जमीन का पीछा वह श्राप आज तक कर रहा है। तभी तो जिसने भी उन मकानों में रहने या उस स्थान पर बसने की हिम्मत की वह बर्बाद हो गया। दोस्तों वक्त के साथ अगल बगल के 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन दो गांव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहां हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं, महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ हमेशा ही आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक लगवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। दोस्तों कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो इस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद
अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ 18वीं शताब्दी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गाँव के कुछ मकान ऐसे हैं जहाँ रहस्यमय परछाई अक्सर नज़रों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार जरूर हुआ है। दोस्तों, मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के समय उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीर ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाते हुए ज़मीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसको यह कैमरा मंजूर न था। ये सच है कि कुलधरा में हजारों परिवार का पलायन हुआ। ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। दोस्तों, पैरानॉर्मल सोसाइटी के अध्यक्ष ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है गोस्ट बॉक्स है, जिसके माध्यम से हम ऐसी जगह रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही किया गया, जहां कुछ आवाज़ें आईं तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 की रात्रि में जो टीम कुलधरा गाँव गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान भी दिखाई दिए। सो फ्रेंड्स, ये था राजस्थान का एक बहुत ही फेमस हॉन्टेड प्लेस कुलधरा विलेज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।